हेलो गाइस, केयर रोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कनिष्क कटारिया, जो कि 2018 के यूपीएससी के जो टॉपर हैं, उनका नाम है कनिष्क कटारिया। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जानेंगे कि कनिष्क कटारिया के जो बायोग्राफी है, तो इन पे चर्चा करेंगे कि इनकी जो ज़िंदगी है, ये अभी तक का जो जीवन का सफ़र रहा वह किस प्रकार रहा, ताकि वो ऑल इंडिया में एक रैंक हासिल की है यूपीएससी, जो कि एक बड़े एग्ज़ाम होते हैं। शायद आप सभी जानते ही होंगे कि सिविल सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम आ चुके हैं। इस बार इस परीक्षा में कनिष्क कटारिया ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कनिष्क कटारिया के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कनिष्क कटारिया ने 2010 में आईआईटी जेई मेंस में 44वीं रैंक यानी 44वीं रैंक हासिल की एवं आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा 10th और 12th में भी कनिष्क ने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए थे। तो इससे पता चलता है कि जो कनिष्क कटारिया हैं, वह बचपन से ही वो काफ़ी, उनकी जो है स्टडी में काफ़ी दिलचस्पी थी, उन्हें पढ़ने में बहुत मन लगता था और वह बहुत बच्चे से ही वह काफ़ी मेहनत करते थे। कनिष्क राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें दक्षिण कोरिया में 1.5 साल तक नौकरी की। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क कटारिया जो कि हैं दक्षिण कोरिया में, उनको लगभग प्लेसमेंट हो गई थी आईआईटी बॉम्बे में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और उन्हें वहां पे दक्षिणी कोरिया में उन्हें लगभग 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज भी उन्हें मिल रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा पैकेज मिलने के बावजूद भी वो सोचे कि वो भारत में जाकर वो भारत की सेवा करें और भारत के जो हैं अन्य देशों से आगे ले जाएँ। वे कहते हैं कि जब मैं विदेश में था, तब भारत के ज़िंदगी को वहाँ की ज़िंदगी से तुलना कर रहा था। तब मुझे लगा कि भारत में सिस्टम को बदलने के लिए पहले सिस्टम में घुसना होगा। कनिष्क कटारिया का यह पहला प्रयास था जिसमें इनका ऑप्शनल पेपर मैथ था। कनिष्क बताते हैं कि तैयारी से पहले 3 साल नौकरी की थी और मुझे परीक्षा का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने 7 से 8 महीने दिल्ली रहकर कोचिंग की। कोचिंग से कनिष्क को बेसिक नॉलेज में मदद मिली। उसके बाद पिछले साल मार्च से लेकर परीक्षा तक घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की। कनिष्क ने मुख्य परीक्षा से पहले 8 से 10 घंटे हुआ परीक्षा नज़दीक आने पर 15 घंटे तक पढ़ाई की थी। कनिष्क कहते हैं कि मेरे पिता सिविल सेवा में ही उनका मन था कि मैं भी सिविल सेवा ज्वाइन करूं, क्योंकि जो उनके पिता हैं वो भी सिविल सेवा में ही जॉब करते थे, तो उनके जो बच्चों के प्रति अपेक्षा थी कि वो उनके बेटे भी है जो कि सिविल सेवा में ही काम करे और देश को आगे बढ़ाए, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं था कि मैं क्या करूंगा। कनिष्क बताते हैं कि तैयारी के दौरान सीनियर ने मेरी मदद की और मैंने उनकी रणनीति को जानकर उसमें थोड़ा बदलाव कर तैयारी की। कनिष्क कटारिया ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता, बहन और प्रेमिका को देते हैं। जैसा कि माना जाता है कि कनिष्क कटारिया को ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल करने में उनकी जो गर्लफ्रेंड है यानी उनकी प्रेमिका जो है, वो काफ़ी उनकी मदद की और उन्हें प्रोत्साहन देते रहे। एक तरह से कहिए तो उनकी जो है ये एग्ज़ाम निकलवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। शायद ही ऐसा किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको इतना मनोबल बढ़ाए, प्रोत्साहित करें और इतना आगे तक उसके ले जाने का एफर्ट किया। ऐसा ज़्यादातर होता है कि आजकल के जो युवा हैं उनके लगभग हर किसी के पास है वो अपने गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो तो पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन साथ में उनके भविष्य को भी वो चौपट कर देते हैं और बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन कनिष्क कटारिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह जो है उनकी प्रेमिका जो है उनके साथ पूरी तरह से एक स्तंभ की तरह उनको साथ दिया और उनका जो है प्रोत्साहन बढ़ाया ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में वो सक्षम रहे। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कनिष्क कटारिया जो कि ऑल इंडिया 2018 के जो UPSC के टॉपर हैं तो इनके बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें। अगर आपको इस तरह से कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।